आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे में नांदेड़ डिवीजन में एग्ज़ाम हुई है, जिसका कि क्वेश्चन आंसर आपके सामने हम लाए हैं, और उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको बढ़िया डिटेल्स करके बताएंगे। तो कुल जो इसमें नंबर हैं वो 110 क्वेश्चन हैं, जिसको कि आपको 100 ही अटैम्प्ट करना होता है, और 2 घंटे का समय दिया गया है। ठीक है, ये 17/9/2021 को ये एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस उसके हैं कि 110 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 100 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, किसी प्रकार का जो है ओवर राइटिंग नहीं करना है, इसके लिए आपको 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, कल उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। देखिए इसमें क्या है, अगर आप किसी प्रकार से ओवर राइटिंग करते हैं या मिटाना करते हैं तो उसको 0 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं कि यदि आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया है तो उसको ओवर राइटिंग कर दीजिए, उसमें दो दो है जो कलर कर दीजिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 0 अंक दिए जाएंगे, तो आपका 1/3 नेगेटिव है, वो कटेगा नहीं, जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। और 1/3 जो है अगर गलत करते हैं तो 1/3 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए, ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने से आपको बेनिफिट होगा। चलिए, बाकी सब तो समय रहते हैं वैसे ही हैं, नाम वगैरह जो भी है और रोल नंबर जो भी है आपको वहाँ लिखना रहता है, साफ सुंदर अक्षरों में आराम से लिखिएगा। थोड़ा सा वहाँ अगर कटिंग वगैरह हो गया तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो सकती है, तो वहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेल्फ जनरेटिंग जो विद्युत उपकरण है, व्हाट शैल बी द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट्स। सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट के साथ फिट होगा तो सेकेंड क्लास जो होगा, यानी कि जो जनरल कोचेज होते हैं, तो सेल्फ जनरेटिंग जो विद्युत उपकरण होता है उसमें उसका कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका कोड होता है SG। ठीक है, SG, तो एक का हो जाएगा A। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ICF BG मतलब ब्रॉड गेज, रिजिड व्हील बेस ऑफ ICF ब्रॉड गेज ट्रॉली। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 2896 होता है, 2 का हो जाएगा B। ठीक है, अब 3 चलते हैं। 3 क्या है, 3 में क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेज अ न्यूली बिल्ट ICF डिज़ाइन कोच टू बी गिवेन फॉर POH IOH, जो IOH होती है ना ICF डिज़ाइन की कोच, उसको IOH कितना महीने पर होता है और POH कितना महीने पर होता है। ठीक है, तो IOH जो होता है वो होता है जो न्यूली डिज़ाइन का जो कोच होता है उसका जो होता है वो होता है 1 वर्ष पर। ठीक है, 12 महीना पर होता है, और POH उसका 24 मंथ्स पर होता है। ठीक है, और जनरली जो ICF के कोचेज जो होते हैं उसका 9 महीना पर IOH होता है, और POH जो होता है वो होता है 18 महीना पर। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा C। चलिए 4 देखिए, 4 में क्या है, परमिसिबल फ्लैट टायर ऑन कोच व्हील ट्रेड, जो व्हील ट्रेड जो होता है उसमें कोच का और वैगन का दोनों जगह का परमिसिबल व्हील जो ये होता है फ्लैट टायर वो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक नहीं, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर है, कोच में होता है 50 mm और वैगन में होता है 60 mm, लेकिन यहाँ आपको कोच में पूछा है तो इसका हो जाएगा 50 mm, यानी कि 4 का हो जाएगा A। ठीक है, वैगन में पूछता तो 60 होता है। 5 का देखिए, द थिकनेस ऑफ फ्लैट टायर एट ट्रेड इज सेंटर ऑफ व्हील ऑफ ब्रॉड गेज कोच इज, जो व्हील ट्रेड जो होता है व्हील ट्रेड उसका सेंटर पर जो है उसका थिकनेस कितना होता है वो पूछ रहा है, तो उसका थिकनेस जो होता है 63.5 mm होता है। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा A। 6 देखिए, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन SCTR शुड नॉट बी मोर देन, जब SCTR मतलब सिंगल कार टेस्ट रिंग जो होता है, सिंगल कार टेस्ट होता है, तो उसमें जो लीकेज होता है, BP का भी अलग पूछ सकता है, FP का भी अलग पूछ सकता है, दोनों में 0.2 kg/cm² per minute का लीकेज जो है परमिसिबल है, यानी कि 6 का हो जाएगा B।
छः का हो जाएगा बी सात। देखिए द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन्स, जो कोचिंग ट्रेन्स जो होते हैं उसमें फीड पाइप का कलर वाइट होता है और ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है, ठीक है। तो सात का हो जाएगा, फीड पाइप पूछा है तो वाइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सात का डी। चलिए आठ का देखिए, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज, जब ब्रेक रिलीज होती है, ठीक है, फ्रॉम इन द एयर फ्रॉम बी सी वेंट आउट टू, जब ब्रेक रिलीज होती है तो बी सी ब्रेक सिलेंडर से जो एयर निकलता है वो पर्यावरण में चला जाता है, ठीक है, तो एटमोसफियर हो जाएगा इसका, आठ का हो जाएगा सी। चलिए नौ क्या है, द कट इन एंड कट आउट प्रेशर ऑफ एमआर एयर इन इंजन इन नॉर्मली भी, जो कट इन और कट आउट जो प्रेशर होता है एमआर का पूछ रहा है, मेन रिजर्वायर का, वो जो होता है वो होता है 8 to 10 kg, ठीक है, यहाँ 8 to 10 kg हो जाएगा ए, नौ का हो जाएगा ए। दस देखिए, हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है, ऑप्शन को भी देखिएगा तो उसके अनुसार जो आंसर बनता है वही लेके चलना है। ओवरहॉल ओवरहेड वाटर टैंक जो कैपेसिटी होता है ऊपर का जो वाटर टैंक होता है WRS सिस्टम में वो कितना होता है, तो आपको मालूम है कि ओवरहेड जो वाटर टैंक होता है उसका कैपेसिटी होता है 200 liters, ठीक है, 200 liters, तो हो जाएगा इसका बी, दस का हो जाएगा बी। 11 देखिए, 11 क्या बोलता है, द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड अंडर टेयर कंडीशन ऑफ कोच, ऑयल लेवल जो होता है डैशबोर्ड में टेयर कंडीशन में कितना होता है, डैशबोर्ड में जो ऑयल भरा जाता है और उसको मेंटेन भी किया जाता है वो होता है 40 mm का, ठीक है। चलिए ये नांदेड़ डिवीज़न का क्वेश्चन है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ACP शुड बी बिटवीन, जो ACP जो होता है अलार्म चैन पुलिंग, उसका पुलिंग फोर्स जो होता है खींचने का फोर्स, वो पहले जो रिपेयर होते हैं तो पहले उसको चेक कर लिया जाता है, कितना फोर्स पर चेक कर लिया है वही आपसे पूछ रहा है, तो इसको चेक करने का जो फोर्स है 7 to 10 kg पर इसको चेक किया जाता है, ठीक है। 13 देखिए, इन BMBC, ठीक है, होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व पुल रोड टू बी डन वेन व्हील डाया रिचेज टू, कितना व्हील का डाया चला जाएगा तो उसको जो है एडजस्टमेंट करेंगे तो वो जो है जो डाया चला जाएगा वो चला जाएगा 839 mm, ठीक है, 839 mm चला जाएगा तो उसको रीसेट करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे, तो 13 का हो जाएगा ए। चलिए 14 देखिए, टाइप ऑफ रोलर बियरिंग फिटेड इन ICF डिज़ाइन कोचेज आर, ICF डिज़ाइन के जो कोचेज होते हैं, ICF कोचेज जो होते हैं, ICF डिज़ाइन कोच अगर बोले तो ICF डिज़ाइन कोच हो गया और ICF हो गया सिंगल ICF हो गया, ठीक है, तो इसमें होता है सिंगल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग होता है और ICF में होता है डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है, तो 14 का हो जाएगा ए। अगर ICF में पूछता तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ बी, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 15 चलते हैं, द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन LHB कोचेज, LHB कोचेज में जो ब्रेक डिस्क होते हैं उसको 640 mm का डाया होता है और उसका थिकनेस जो है 110 mm का होता है, ठीक है। 16 देखिए, द डैम्पर दैट कनेक्ट बोगी एंड कार बॉडी इज कॉल्ड, जो डैम्पर्स जो होते हैं ना LHB में, जो कि एक बोगी में 9 होते हैं, ठीक है, एक कोच में 18 होते हैं, तो वो एक होता है जो कार बॉडी और बोगी को कनेक्ट करता है उसको कहा जाता है वाई डैम्पर, ठीक है, याओ डैम्पर भी कहा जाता है, इसका हो जाएगा बी। 16 का हो जाएगा बी। 17 देखिए, SS1, SS2, SS3 तीनों आपको याद होना चाहिए, D1, D2, D3 भी याद होना चाहिए, SS2 का यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, तो SS2 का जो है थ्री इयर्स होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, 17 का बी। 18 देखिए,
ब्रेक पावर टू बी अवेल्ड इन राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम पिट लाइन इज, जो पिट लाइन में जो रिपेयरिंग होती है राजधानी एक्सप्रेस कोचेज की, तो उसमें ब्रेक पावर उसको 100% होता है, ठीक है। ए हो जाएगा 18 का ए। 19 देखिए, द पर्पस ऑफ डंप वॉल्व, डंप वॉल्व का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो टू मेंटेन अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड ऑफ एक्सल, ठीक है, ये भी है, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्केटिंग, ये भी है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। सी हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी। 20 देखिए, द एयर गैप टू बी मेंटेन बिटवीन सेंसर फेस एंड फोनिक व्हील, जो फोनिक व्हील्स जो होते हैं इसमें कि 80 दांत लगे हुए होते हैं और उस दांत से सेंसर जो लगा हुआ होता है वो सेंसर कितना दूरी पर होता है, ठीक है, वो फोनिक व्हील से सेंसर के बीच की दूरी कितना गैप मेंटेन किया जाता है, तो वो जो गैप है वो है 0.9 से लेके 1.4 mm तक का गैप होता है, ठीक है। इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ द कोड डिस्प्लेड इज 99, जो कोड है जो माइक्रो प्रोसेसर से जो माइक्रो प्रोसेसर में जो कोड दर्शाता है फोनिक व्हील से सेंसर के द्वारा, वो एक उसमें कई प्रकार के कोड्स होते हैं, ठीक है, उस कोड्स सभी कोड्स को आपको याद कर लेना है, उस कोड्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 99 का मतलब क्या हुआ, जो 99 जब कोड्स उसमें दिखाएगा उसका अर्थ हो गया कि सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है, ऑल इज वेल है, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। 22 देखिए, 22 में क्या बोलता है, कंडेमनिंग साइज ऑफ ब्रेक पैड, ब्रेक पैड का जो कंडेमनिंग साइज होता है वो कितना होता है, तो नया साइज 35 mm होता है और 7 mm तक इसका यूज किया जाता है, तो कंडेमनिंग साइज होता है 7 mm, ठीक है, इसका हो जाएगा सी। 23 देखिए, फिन्स प्रोवाइडेड ऑन ब्रेक डिस्क फोर, ब्रेक डिस्क आपने देखा होगा उसमें कूलिंग के लिए या उसका वेट कम करने के लिए उसमें फिन्स प्रदान किए जाते हैं, फिन्स, ठीक है, तो फिन्स कैसे होते हैं आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो कभी भी देख लीजिएगा, LHB का जो चक्का होता है उसके ठीक बगल में ये फिन्स लगा हुआ, व्हील जो डिस्क ब्रेक है वो लगा हुआ था उसमें फिन्स होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फिन्स प्रोवाइड ऑन ब्रेक डिस्क फोर क्या है, फॉर कूलिंग, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथिंग के लिए तो होता नहीं है, इसका वेट कम करने के लिए भले अगर होता तो ऑप्शन में यूज हो सकता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 23 का यहाँ ए हो जाएगा। कहीं कहीं आपको दोनों ऑप्शन भी मिलेंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन भी मिलेंगे कि कूलिंग के लिए है या फिर वेट कम करने के लिए है, तो आप कूलिंग वाला पर लगा सकते हैं। 24 का देखिए, ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन, ब्रेक कैलिपर जो यूनिट होता है किस पर माउंट होता है, ब्रेक कैलिपर यूनिट, ठीक है, तो वो होता है व्हील एक्सल पर माउंट होता है, ठीक है, सी हो जाएगा। 24 का हो जाएगा सी। 25 देखिए, 25 क्या है, कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है, चार्जिंग टाइम ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, कंट्रोल रिजर्वायर का चार्जिंग टाइम कितना होता है, चार्जिंग टाइम जो होता है वो 160 सेकंड का होता है, 160 सेकंड, ये हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, अगर सेकेंडरी सस्पेंशन अवेलेबल नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या इफेक्ट हो गई, इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो होगा राइडिंग क्वालिटी, तो इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी जो सस्पेंशन होते हैं उसमें एयर स्प्रिंग भी होता है, और स्प्रिंग क्या करता है, जो गाड़ी को कंफर्ट बनाए रखता है, ठीक है। इन उसके बाद क्या है, इन इंक्रीज्ड वर्टिकल शॉक्स, जो वर्टिकल शॉक्स जो होते हैं ऊपर से नीचे का, उसको भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। वियर एंड टीयर मतलब पार्ट दूसरे डैमेज भी हो सकते हैं, घिस भी हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है। 27 चलते हैं, द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज इज फॉर, LHB कोचेज में जो CBC फिट किए जाते हैं सेंट्रल बफर कपलर, वो क्यों फिट किए जाते हैं, ओनली पुलिंग एक्शन, ठीक है, पुलिंग के लिए, ठीक है, और ओनली बफिंग एक्शन, बफिंग के लिए, या ठीक है, और ऑप्शन सी क्या है, ए और बी दोनों, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुलिंग और बफिंग दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और 27 का हो जाएगा सी। ऐसे ICF कोचेज में पुलिंग के लिए स्क्रू कपलर अलग होता था, बफिंग के लिए उसके बफर अलग से लगाया जाता था, लेकिन ये जो है
सीबीसी जो एलएच में फिट किए जाते हैं वो दोनों काम ये करते हैं, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद 28 देखिए, पिट लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर, पिट लाइन क्या करता है, पिट लाइन में क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी मेंटेनेंस भी होते हैं, सेकेंडरी मेंटेनेंस भी होते हैं, ठीक है। तो उसका हो जाएगा जो आंसर जो इसका हो जाएगा ए एंड बी, डी में लिखा हुआ है ए एंड बी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी, 28 का डी। द मटेरियल यूज फॉर कर्टन एंड रेगजिन सीट्स कवर आर, जो कर्टन्स और रेगजिन जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, ठीक है। फायर रिटार्डेंट ऐसा होता है कि जब गाड़ी में आग लगती है तो आदमी, बहुत सारे लोग उसके जो धुएं हैं उसी से मर जाते हैं, जलने लगती है उसके वजह से। तो ये क्या करता है, आग को जलने से कम आग जलेगा इसमें, कम से कम जल्दी से बुझने की इसमें प्रवृत्ति होती है, तो इसको फायर रिटार्डेंट कहा जाता है, आग कम पकड़ता है ये। तो इसका हो जाएगा 29 का सी। 30 देखिए, इफ़ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर इज डिफेक्टिव देन, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो है, सेकेंडरी कहाँ, बोलिस्टर के नीचे, वर्टिकल मतलब सीधा एक डैम्पर लगा हुआ रहता है, वो डिफेक्टिव है तो क्या होगा, ठीक है। तो डिफेक्टिव जब होगा तो क्या होगा, द सेकेंडरी सस्पेंशन विल इफेक्ट, जब सेकेंडरी सस्पेंशन में है तो सेकेंडरी सस्पेंशन इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही। द लेटरल मूवमेंट विल इफेक्ट, जो लेटरल मूवमेंट होता है वो भी इफेक्ट हो सकता है। द स्प्रिंग ब्रेकेज में भी ऑक्योर, मतलब स्प्रिंग ब्रेकेज भी हो सकता है, एनी ऑफ द एवर हैपन, मतलब ऐसा कोई भी काम हो सकता है, यानी कि इसका हो जाएगा डी, ठीक है। 30 का हो जाएगा डी। 31 देखिए, द सीट लगेज रैक आर टू बी चेकड इन, सीट और लगेज रैक ये सब चेक किया जाता है, कौन से शेड्यूल में चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है D2 शेड्यूल में चेक किया जाता है, D2। अब D2 शेड्यूल कब होता है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, D1, D2, D3 और SS1, SS2, SS3, उसमें क्या क्या चेक होते हैं ये भी आपको होना चाहिए नॉलेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3 शेड्यूल, SS3 शेड्यूल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कब कितने समय पर होती है, ठीक है। तो SS2 जो होती है वो होती है 6 साल पर, ठीक है, 6 साल पर। चलिए हो गया, अब 33 चलते हैं। क्या बोलता है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि राजभाषा जो है वो राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है और वो हिंदी है, ठीक है। 34 इसका हो जाएगा सी। 34 देखिए, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर, ठीक है। 35 देखिए, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल कम इनटू फोर्स इन, डिसिप्लिन अपील रूल कब फोर्स, मतलब कब आया वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1968, ठीक है, 1968। आपको डेट भी पूछता है, डेट भी याद होना चाहिए। सस्पेंशन क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन, मतलब क्या है सस्पेंशन, कोई भी शास्ति नहीं होती है। हमने आपको डिसिप्लिन अपील रूल का जो PDF दिया है उसमें ये इसका पूरी तरह से अच्छी तरह से इसके बारे में बताया है और लिखा हुआ है उसमें कि सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ द, कोई पनिशमेंट नहीं है सस्पेंशन, सस्पेंशन सिर्फ काम से जो है एम्प्लॉय को हटा दिया जाता है, लेकिन उसकी जो सैलरी वगैरह है वो भी नियमानुसार चलती रहती है, थोड़ा कटौती होती है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि क्या होता है, कितनी कटौती होती है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जब आए तो आप उसके बारे में पूरा डिटेल देख लीजिए, ठीक है। 37 देखिए, डिमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइकर्स आर डिफाइंड इज, ठीक है, हड़ताल जो होता है, हड़ताल ये सब परिभाषित किया गया है, कौन सा चीज़ में किया गया है, रेल कौन सा, रेल के कौन सा नियम में, ठीक है। तो रेल का जो है नियम का रूल 17 है, उसमें हड़ताल के बारे में परिभाषित दिया गया है कि हड़ताल में इसको कैसे भाग लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। रेल जो कर्मचारी हैं उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ काम करने की सीमा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए।
ड्यूटी के समय कब स्ट्राइक करना है नहीं करना है ये सब के बारे में भी जानना चाहिए एक रेल कर्मचारी को। 38 का देखिए, द फॉर्म यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर्स का जो नॉमिनेशन होता है डिसिप्लिन अपील रूल में, यदि किसी के पर डीए लगा है, किसी पर डीए लगा है तो जो नॉमिनेशन के लिए यूज होता है वो कौन सा फॉर्म है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा SF-7, ठीक है। 38 का हो जाएगा सी। 39 देखिए, रजिस्टर यूज फॉर इशूइंग फिट मेमो, हमने आपको रेलवे से संबंधित GK GS का एक PDF दिया है, किसी के पास नहीं मिला है तो हमसे ले सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो फिट मेमो है उसमें कौन सा SR यूज होता है, और बहुत सारे GK हैं जो कि LDC डिपार्टमेंटल कोटा में आते हैं तो उनसे संबंधित आप पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़ लेना भी चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकते हैं। तो 39 का हो जाएगा यहाँ सी, RS-17 है, ठीक है। रजिस्टर यूज फॉर कोच मेंटेनेंस हिस्ट्री कार्ड, कोच मेंटेनेंस हिस्ट्री कार्ड के लिए जो रजिस्टर यूज होता है वो रजिस्टर है RS-71, ठीक है। चलिए, अलाउड टाइम फॉर डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ ART ड्यूरिंग नाइट, नाइट में जो ART डायरेक्ट डिस्पैच जब होगा उसमें टाइम कितना लगता है, और डे में कितना टाइम लगता है, डे में 30 मिनट लगता है, नाइट में 45 मिनट्स लगता है, तो इसका हो जाएगा सी। द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन बायो टॉयलेट में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उसमें कौन सा टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो बायो टॉयलेट का आपको PDF में जाके पढ़ लीजिएगा, एनाएरोबिक उसका नाम है, एनाएरोबिक, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा बी। चलिए 43 चलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इनकोलम्स यूज इन बायो टैंक फॉर इनिशियल चार्जिंग, अच्छा शुरू में जब बायो टॉयलेट टैंक में जब इन कॉलम डालेंगे जो बैक्टीरियाज हैं वो डालेंगे, कितने लीटर डालेंगे, ठीक है, तो 120 लीटर डालेंगे उसको, ठीक है, तो उसका हो जाएगा सी। 44 देखिए, के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वन और बियॉन्ड, जो के टाइप होता है, ठीक है, तो के टाइप होता है 12 mm तक चलता है, एल टाइप 10 mm तक चलता है, तो के टाइप का पूछ रहा है 12 mm, 44 का हो जाएगा बी। चलिए 44 का हो जाएगा बी। 45 देखिए, द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक इन बॉक्सन वैगन में व्हील और ब्रेक ब्लॉक जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसके बीच का गैप कितना, स्टैंडर्ड गैप पूछ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड गैप होता है 6.25 mm, ठीक है, 6.25 mm। चलिए 46 देखिए, कंडेमनिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, इलास्टोमेरिक का कंडेमनिंग साइज, शॉप इशू साइज और न्यू साइज, तीनों साइज आपको पढ़ना है, और हमने मटेरियल दिया है आपको नोट्स उसमें है तो उसको याद कर लीजिएगा, इसका 42 है कंडेमनिंग साइज, ठीक है। 47 चलते हैं, द टेस्ट ऑफ नो द रिएक्शन ऑफ DV टू वेरी लेस रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर, ठीक है, मीन्स क्या है, वेन BP प्रेशर रिड्यूस एट रेट 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, जब उसको चेक किया जाता है तो उस जो पीरियड है जिसमें कि 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड में, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो है सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट। 48 देखिए, 8 dimension इन बॉक्सन वैगन, हमने बताया आपको कि BO, BR एंड वैगन होता है उसका डायमेंशन सिर्फ अलग होता है, बाकी जितने भी वैगन हैं उन सबके डायमेंशन जो है 70 + 2 - 0 होता है, ठीक है। तो 48 का हो जाएगा बी। 49 देखिए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट फिएट, गलती लिख दिया है, फाइट लिख दिया है, FIATE होता है, फिएट बोगी डिज़ाइन में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ए इट हैज़ वाई शेप्ड बोगी नहीं है, वाई शेप्ड इसका फ्रेम होता है जिस पर कि एयर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, इट हैज़ वाई शेप्ड बोगी नहीं है, ठीक है, तो ये सत्य है, ठीक है, ये हमको नहीं सत्य है वो पूछ रहा है,
इट हैज़ रिजिड एक्सेल गाइडेंस सिस्टम। रिजिड एक्सेल गाइडेंस सिस्टम जो है ICF में है, जिसका कि रिजिड बिल बेस जो है 2896 भी होता है। बोगी वेट जो है, बोगी का जो वेट होता है 6.5 टन के आजू बाजू ही होता है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है 49 का, वो है इट हैज़ प्रोवाइडेड विथ एंटी स्किड फीचर। ये एंटी स्किड फीचर के साथ भी प्रोवाइड किया जाता है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी जो है सत्य नहीं है, 49 का हो जाएगा बी। 50 देखिए, हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वैगन। BLC वैगन में जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। कितना वेट पर जो है अनलॉक होते हैं, कितना वेट पर लॉक होते हैं, इस संबंधित हमने आपको BLC का अलग से आपको PDF दिया है, जो कि हिंदी में बना के दिया है और बहुत ही काम का है। उसमें BLC संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, उतना ही में से आएंगे जितना हमने आपको दिया है। तो 50 तक हमने आज करा दिया है, बाकी का 60 क्वेश्चन बच गया है, वो आपको कल कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।